हेलो एवरीवन, दिस इज़ विकास एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, बहुत से मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे मैसेज करके बोल रहे थे कि आप जो है वेज मोमोज की रेसिपी डालिए। तो आज मैं आपके लिए वेज मोमोज की रेसिपी लेके आया हूँ, जिसमें नाम मात्र के इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। ये गाजर है, कैरेट जो कि हमने अच्छे से वॉश कर लिया है, इसके अलावा ग्रीन चिली है, हरी मिर्च दो ली है मैंने, 2 इंच का अदरक जिंजर लिया है मैंने, इसके अलावा शिमला मिर्च है, एक छोटी शिमला मिर्च है जो कि ऑप्शनल है, इसके अलावा एक ऑनियन लिया है, छोटे साइज़ का, मीडियम साइज़ का ऑनियन लिया है, इसके अलावा केबेज लिया है, पत्ता गोभी। तो फ्रेंड्स, गाजर को इस टाइप से हमने छील लिया है। अब इसको जो है खिसने के ऊपर जो है ग्रेट कर लेते हैं अच्छे से। तो फ्रेंड्स, केबेज को भी जो हमें पत्ता गोभी को इस टाइप से कट कर लिया है, और उसे जो है अब इस टाइप से धामा लेके खिसनी की सहायता से ग्रेट कर लेना है, ऐसे इस टाइप से खिस लेना। तो फ्रेंड्स, इस टाइप से हमने जो है सभी चीज़ों को ग्रेट कर लिया है। जैसे गाजर को हमने ग्रेट कर लिया है अच्छे से बारीक, ऑनियन को भी चॉप कर लिया है बारीक, ग्रीन चिली को भी चॉप कर लिया है, शिमला मिर्च और जिंजर को भी ग्रेट कर लिया, और ये केबेज है इसको भी हमने जो है अच्छे से खिसनी की सहायता से जो है खिस लिया है, ये देखिए इस टाइप से। अब इन सबको जो है हमें एक सूती वाला कपड़ा लेना है, और इसके अंदर जो है केबेज के अंदर काफ़ी सारा पानी रहता है, इसलिए इसको स्क्वीज़ करना है। तो इसके अंदर का जितना भी पानी है अपने को निकालना है, इस वजह से इसको एक सूती वाले कपड़े में हम ले लेंगे, और इसमें इसके साथ साथ जो है हम गाजर भी डाल देंगे, खिसे हुए जो गाजर है वो भी डाल देंगे, प्याज ये भी डाल देंगे, और इन सभी का जो है पानी हम निकाल देंगे। इन सबको मिक्स करके इसके अंदर का जो पानी है हमें निकाल लेना है दोस्तों। इस टाइप से इसको अच्छे से निचोड़ लेना है, ताकि इसके अंदर का जो एक्सेस वाटर है वो निकल जाए। ये देखिए काफ़ी सारा पानी रहता है दोस्तों इसमें। फ्रेंड्स, ये देखिए 5 मिनट हो चुके, अब इसको है जो है हम खोल लेते हैं। इसके अंदर का सभी जो पानी निकल चुका है, और ये देखिए मिक्स हो चुका है, ये देखिए इस टाइप से। अब इसको जो है अपने को मिक्स कर लेना अच्छे से। तो फ्रेंड्स, इसको फ्राई करने के लिए जो हमने 2 चम्मच जो है वेजिटेबल ऑयल लिया है, 2 टेबल स्पून हमने वेजिटेबल ऑयल लिया है। तेल गर्म होने के बाद हमें जो है जिंजर का जो है पेस्ट डालना है, अदरक का पेस्ट हमने डाल दिया है, उसको हल्के से स्टर करना है। इसके बाद जो है हरी मिर्च डाल देंगे हम, शिमला मिर्च भी डाल देंगे, और फिर जो हमने ग्रेट करा हुआ पत्ता गोभी और गाजर का जो ग्रेट करा हुआ है प्रीमिक्स वो भी डाल देंगे हम, मिक्सचर जो है वो डाल देंगे। और उसको अच्छे से स्टर कर लेंगे। और फ्रेंड्स, इसमें 1 चम्मच लगभग हमें काली मिर्च का पाउडर है वो यूज़ करना है, और इसको मिक्स कर लेना है। इसे ज़्यादा देर होने नहीं देना है हमको, अब इसे जो है ठंडा होने देना है हमको, बस इसको हम गैस से उतार लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे, और ठंडा होने के बाद जो है हल्का सा फिर इसमें हम नमक ऐड करेंगे। और फ्रेंड्स, हमारे जो मिक्सचर है ठंडा हो गया है, अब इसमें जो है हम नमक ऐड करेंगे इस पर टेस्ट। अब इसको जो है मिक्स कर लेंगे,
हमने गरम में इसलिए नमक ऐड नहीं करा क्योंकि वो पानी छोड़ देता है, इस वजह से हमने जो है सब मोमोज के लिए जो है आटा लगा लेते हैं। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें लगता है वो मैदा है, जिसे हमने लगभग एक कप ले लिया है। ये एक कप हमने मैदा लिया है, इसको हम जो है थाली में डाल लेते हैं। इसके बाद जो है हमें पिंच जो है इसमें नमक डालना है, नमक का यूज़ करेंगे हम। टू टेबल स्पून जो है हम ऑयल का यूज़ करेंगे, वेजिटेबल ऑयल है दोस्तों। और पानी जो है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है इसमें। ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए ये आटा और ना ज़्यादा लूज होना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जो है डव हमने तैयार कर लिया आटे का, जो कि ना ज़्यादा कड़क है ना ज़्यादा नरम है। अब इसको जो है हम सूती कपड़े के सहायता से हल्का सा गीला करेंगे, सूती कपड़ा, और उसके सहायता से हम ढक देंगे ताकि ये जो है आटा फूल जाएगा हल्का सा। फ्रेंड्स, अब जो आटा हमने ढक के रखा था उसको ओपन कर लेते हैं और इसमें से जो है लोई लेके हम इसके जो है मोमोस रेडी कर लेते हैं। अब दोस्तों, इस टाइप से हमने बड़ी रोटी टाइप का बेल लिया है। अब इसको जो है कटर की सहायता से आप काट सकते हैं, अगर कटर नहीं है तो इस टाइप से आप कटोरी भी ले सकते हैं, ऐसे इस टाइप से। ये दो हिस्से में इस टाइप से काट लेंगे आप और इसको अलग से निकाल लेंगे धीरे से। फ्रेंड्स, हमने इस टाइप से इसको ले लिया है, इसमें जो है जो भी मिक्सचर अपना रेडी है उसको इस टाइप से डालेंगे। और इसको पटलिया जैसे बनाते हैं उस टाइप से पटलिया बनाएंगे, इस टाइप से हम जो है पटलिया दबाएंगे, उस टाइप से बनाना, और इसको जो है फ्रंट से सील कर देना है। ये देखिए, ये एक टाइप का जो है मोमोस ये हो गया। इस टाइप से हम उसको रेडी करके रख देंगे। सेकेंड जो है इस टाइप से रहेगा, सिंपल आपको लेना है ये। और उसके बाद आपने गणपति पे मोदक बनाए होंगे उसी टाइप से इसको पटलियों में बनाना है, इस टाइप से। और सिंपली इसको राउंड करके देखो, सी मोदक ही है, बस उसको ऊपर से प्रेस कर दिया हमने। तो ये दो टाइप के जो है मोमोज हैं। इस टाइप से आप सभी मोमोज रेडी करना है अपने को वन बाय वन करके। फ्रेंड्स, ये पानी हमने प्री हीट के लिए रख दिया था जो कि गर्म हो चुका है। अब इस पे जो है हम इस टाइप से जो नेट वाली बर्तन आता है वो रख देंगे। अगर आपके पास मोमोस का पॉट नहीं है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो है हम हल्का सा वेजिटेबल ऑयल लगाएंगे ब्रश के सहायता से, इस टाइप से जो है वेजिटेबल ऑयल लगा देंगे। अब इसके ऊपर जो है हम मोमोज रख देंगे, वन बाई वन करके जो मोमोज हमने रेडी करे हैं उसको रख देते हैं। स्टेप से इतने मोमोज को रख के दोस्तों, इसके बाद जो है इसको ढक के रख देना है
लगभग 15 मिनट तक इसको जो स्टीम होने देना है, 10 से 15 मिनट तक स्टीम होने का दिया, अच्छे से हो जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, अब जो है हमारे 15 मिनट होने के बाद मोमोज देखिए कितने बढ़िया बने हैं। ये देखिए पूरे एक नंबर बने हैं, ये रेडी हो चुके हैं। अब इसे आप जो है गार्लिक चटनी के साथ और मेयोनीज के साथ सर्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फ्राइड मोमोज के लिए हमने जो है तेल जो है प्री हीट के लिए रख दिया था, जो कि काफ़ी गर्म हो चुका है। अब इसमें जो हमने मोमोज जो बनाए थे, ये मोमोज ये वन बाय वन करके हम जो है ऐड कर देंगे इसमें डीप फ्राई के लिए। देखिए दोस्तों, ये डीप फ्राइंग हो रहा है इसका, और हल्का हल्का सा इसको जो है बीच में स्टर करते रहिएगा। सो देखिए फ्रेंड्स, 2 से 4 मिनट के बाद जो है हमारे मोमोज जो है गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं, जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसे वन बाय वन करके जो हम प्लेट में निकाल लेते हैं और मेयोनीज और गार्लिक चटनी के साथ सर्व करते हैं।